पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी के संबंध में प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं एवं नीतियों के प्रचार प्रसार को लेकर खंड हसनपुर के गांव बिल्लौजपुर में एक दिवसीय प्रदर्शनीय मेला आयोजित किया जाएगा। जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने रिबन काटकर प्रदर्शनी मेला का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि पलवल जिला प्रशासन द्वारा खंड हसनपुर के गाँव बिल्लौजपुर के राजकीय प्राथमिक में प्रदर्शनीय मेले का आयोजन किया। इस मेले में प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं एवं नीतियों व विकास कार्यों के प्रचार प्रसार के बारे में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसमें ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मेले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। उपायुक्त मनीराम शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाई हुई हैं। लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 1000 गांवों में 24 घंटे बिजली देने की योजना शुरू की है, लेकिन वो गांव ऐसे में जिनमें 100% लोगों ने घरों में बिजली के कनेक्शन ले रखे हैं, सभी बिजली का बिल ईमानदारी के साथ भरते हैं। उपायुक्त ने कहा कि पलवल जिला के लोग भी यदि पूरी ईमानदारी के साथ बिजली का बिल भरेंगे तो उन्हें भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध की जाएगी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने बिजली, सड़क, पीने के पानी, पलवल से हसनपुर व हसनपुर से बिल्लौजपुर तक बस चलाने की मांग की। उपायुक्त ने ग्रामीणों की मांगों को सुनते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। उसके बारे में मैं बात करूंगा। डीएम रोडवेज से वो श्री एन के गर्ग जो हैं उनके पास में बात का भी एडिशनल चार्ज था। अच्छे ऑफिसर हैं, तो देखेंगे कि कैसे व्यवस्था खराब हो रही है, क्या बसों की समस्या है या फिर रूटों में मिस मैनेजमेंट है, जो भी होगा। लेकिन जब यहाँ बिल्कुल ही नहीं चल रही है तो मैं वायदा करता हूँ कि सुधार तो जरूर होगा। एक दो तो चलवाऊँगा, जब जा रहा हूँ यहाँ आया हूँ ना, ये मैं ज़रूर करा दूँगा। इसके साथ ही और मैं चाहे पब्लिक मीटिंग में ज़्यादा नहीं बोला करता, पब्लिक की सुनता जा रहा हूँ, जैसे पता चल जाए फीडबैक क्या है। बोलने वाले ऑफिसर्स तो बाकी सभी हैं।